हाउ टू गो फ्रॉम ब्लैक टू ब्राउन है विदाउट ब्लीच एट होम ये लेफ्ट साइड पे जो है मेरे पहले के बाल है राइट साइड पर मेरे ब्राउन कलर के बाद के बाल है वर्ष आफ्टर अभी मैंने ब्लैक टू ब्राउन विदाउट ब्लीच कैसे किया है इसके लिए पूरी वीडियो देखना बिकॉज बहुत माइन्यूट डिटेल्स इस वीडियो में है मैंने यूज किया है कास्टिंग क्रमग्लॉस का कैरामिल ब्राउन कलर विच इज सिक्स थर्टी फोर बॉक्स अकॉर्डिंग ये वाले शेड आने थे मैं बीच वाला शेड एक्सपेक्ट करी थी बिकॉज मेरे बाल डार्क ब्राउन ब्लैक का कॉम्बिनेशन है सो बीच या लास्ट में से कोई भी एक शेड अपने बालों पे एक्सपेक्ट करे ये रहा है एक क्ली शेड ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज मम्मी से मार से खानी है किसी को भी नहीं करे गंदी टी शर्ट में फटाफट से आ जाओ और ये तीन चार चीजें आपको इस बॉक्स में मिलेंगी इसमें आता है डेवलपर कंडीशनर एक हेयर मास्क ग्लव और इंस्ट्रक्शन बुकलेट आप प्रोसेस शुरू करने के लिए बालों को गीला करना है गीला यानी कि टॉवल ड्राई टाइप्स रहने चाहिए वो मैंने कुछ ज्यादा ही गीला कर लिया था क्योंकि मुझे पता जब तक मैं कलर मिक्स करूंगी तब तक वो टॉवल ड्राई स्टेट में आ जाएंगे अब फटाफट से हम चलते हैं अपने रूम में और मैं आपको दिखाऊंगी की मेरी लेंथ जो आप देख रहे हो यानी कि शोल्डर से थोड़ी नीचे वाली लेंथ है मिड लेंथ है अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो देख लेना नहीं देखी तो प्लीज देख लेना मैंने दो डब्बे मंगवाए थे बट यूज सिर्फ एक ही किया क्योंकि इतनी लेंथ के लिए एक भी काफी था अपने फटाफट से क्रीम वीम लगा लो ताकि हेयर स्टेन ना रह जाए और अब करते हैं मिक्स करना स्टार्ट वन को टू में मिक्स करना है यानी ट्यूब को बॉटल में खाली करना कंजूसों की तरह पिचका पिचका के लास्ट ड्रॉप भी आप इसकी यूज कर लेना जैसे ही हो जाए इसको डब्बा बंद करके स्टार्ट शेकिंग एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि शेक करते टाइम हीट जनरेट होती है तो फटाफट से इसकी टिप को आपको तोड़ देना है अब अगेन ये टिप मुझसे टूटी नहीं तो मैंने थोड़ा सा जो ढक्कन है ना वो लूज कर लिया था ताकि बॉटल बर्स्ट ना कर जाए वो चांसेस बहुत होते हैं तो आप भी इस टिप का ध्यान रखना अपने पास आप सीजर हैंडी रख सकते हो मेरे तो उंगली से टूटी नहीं है सो आई हैड टू यूज एट है एंड वरना भाई फटफट आ सकता था वो रिस्क किसको चाहिए मुझे तो नहीं चाहिए था अब लगाने का तरीका बहुत सिंपल है बट इसको रूट से नहीं लगाएंगे हम हम रूट से दो तीन इंच छोड़ के इसको लगाना स्टार्ट करेंगे like me, याद रखना कि अच्छे से कलर को मसाज कर लो बिल्कुल ध्यान रखना कि रूट अप्लाई मत करना क्योंकि आप जो देखने वाले आगे जो मेरे साथ हुआ था लोगों के संग तो और भी ज्यादा बुरा होता है आप रूट्स अभी छोड़ दो रूट हम बाद में अलग करेंगे अभी हम सिर्फ लेंथ पे लगा रहे हैं दोनों अपने लेफ्ट और राइट साइड पे प्रॉपर प्रॉपर्ली एक, एक 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 बाल को कवर करके अब 10 मिनट वेट करेंगे पेशेंस तो है नहीं तो 10 मिनट में क्या करा मैंने एक ट्रिक निकाली है ताकि इवन कवरेज आए मैंने अपने बालों को कोम करना स्टार्ट कर दिया कोम करते टाइम जो कलर निकला वो मैंने बालों पर दोबारा लगा दिया इससे ना इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है कलर का और आपका एक एक बाल ना प्रॉपरली जो हाथ से कवर नहीं हो पाया होगा ना वो कोम से कवर हो जाएगा यही मैंने लेफ्ट साइड पे किया तो ये पूरा काम मैंने 10 मिनट करीब में कर लिया होगा और उसके बाद मैंने रूट्स पे एप्लीकेशन का काम स्टार्ट किया अब एप्लीकेशन बहुत सिंपल है जैसे आप कोई हेयर वगैरह मसाज करते हो ना बिल्कुल वैसे ही लगा के आपको मसाज करना है अब रूट्स पे हम बाद में क्यों लगा रहे हैं क्योंकि ना रूट्स आपके स्कैल्प के पास होती हैं स्किन के पास होती है और आपके सिर से ना हीट जनरेट होती है हीट से क्या होता है कलर बहुत जल्दी निकलता है निकलता है कलर बहुत जल्दी चढ़ता है होगा क्या कि अगर आप पहले से ही रूट्स पे लगा लोगे तो रूट्स का कलर बहुत लाइट कलर का हो जाएगा और लेंथ पे वो अच्छे से चढ़ेगा नहीं सेम ट्रिक मैंने यहाँ यूज करी कोम से इवन कवरेज के लिए मैंने पूरे बालों को गंगी किया देखो इस प्रोसेस में बाल तो टूटेंगे तो ध्यान रखना कि बाल सुलझा के ही आपको कलर करने के लिए बैठना है फिर और इवन कवरेज के लिए मैंने मांग निकाल के पार्टिशन करके कर फिर से कलर को ड्रिप किया क्योंकि कलर मेरी नहीं फेंकने तो से कर लिया कवर ये इंस्ट्रक्शन में कहीं लिखा नहीं था बट मी बींग स्मार्ट मी एज आई एम जो जुगाड़ लगाता रहता है हीट से कलर ज्यादा जल्दी चढ़ता है और इफेक्टिव आता अब ये देखो दिस वॉज आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर या वन आवर मैंने पूरा ड्यूरेशन डेढ़ घंटा करीब अपने बालों में रखा है एंड जैसे मैंने पहले कहा था आपको मेरी रूट्स पे देखो कलर दिखने लगा था बट लेंथ पे वो नहीं दिख रहा था तो मैंने क्या किया ड्रायर किया हीट दी अपने बालों को सिर्फ एंड्स पे रूट्स पे नहीं बिकॉज रूट्स पे ऑलरेडी स्कैल्प की हीट थी और उसने कलर निकालना शुरू कर दिया था कलर चढ़ाना ओ माई गॉड ठीक है अब मैंने अच्छे से इस पे भी हीट मारी एंड दिस वॉज द टाइम फॉर मी टू गो एंड टेक बाथ टोटल प्रोसीजर मैंने एक घंटा सवा घंटा शायद रखा था एंड आई कुड सी द चेंज इन कलर और मैं रिस्क लेना चाहती नहीं थी तो ये मास्क लगा के मैंने अपने बालों को धो लिया नाउ लुक एट इट मैंने नहा लिया है एंड आई टू टू शो यू समथिंग दिस दिस इज इज टर्न आउट बी अ डिजास्टर आई मीन लिटरली द डिजास्टर ऐसा लग रहा है कि मेरे बहुत सारे बाल सफ़ेद थे एंड आई जस्ट पुट मेहंदी एंड नथिंग एल्स आई मीन दिस इज नॉट वट आई वॉज एक्सपेक्टिंग बट लेट्स नॉट गिव अप द होप्स एक बार कलर सूखने देते हैं डिपेंडिंग ऑन दैट आई कैन फिक्स दिस disaster. आई एम वेरी गुड एट these disasters. My गॉड लुक एट दिस यार बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि सफेद बाल आंटी के कलर कर दिए हैं मेहंदी से मेड श्योर sure कि रूट्स पे मैं बाद में लगाऊँ बाद में लगाने के बाद भी ये हाल है So I'm started to see the colour. It's good if it comes Puri length. Pe. Okay, so it's drying and it's not that bad. Abhi, I think 70% bal has dried and it looks pretty fine. Let's just wait for it to dry. Main toh, I mean, I would have gone crazy agar sirf, uh, itna color hota. So let's see. I'm gonna meet you after jab pure bal soup Bye! Alright, and this is what my hair looks like. वट यू गैस से आई मीन कुछ टाइम पहले तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रीकआउट करी थी बट आई गैस दिस इज लुकिंग परफेक्टली ब्यूटिफुल दी ओनली डाउन साइड इज ऑफ कॉर्स रूट्स हैव बिन कलर्ड ज़्यादा लाइटली सो मेक श्योर दैट इफ यू डोंट वांट समथिंग लाइक दिस तो आप रूट से थोड़ा सा दूर लगाओ ओके सो आई एम श्योर नाउ यू अंडरस्टैंड कि हमने रूट्स पे बाद में क्यों लगाया है और अगर आपको इतने लाइट रूट्स भी नहीं चाहिए तो आप करीब 20 मिनट्स बाद अपना रूट का एप्लीकेशन शुरू करना कलर पूरे बालों पे ना इवनली आ जाएगा ठीक है बट मुझे ये कलर बहुत अमेजिंग लगा आई वाज शॉक्ड कि भाई मेरे डार्क ब्लैक बालों पे ये ब्राउन कलर एक्चुअली चढ़ गया रिजल्ट बहुत स्ट्राइकिंग डिफरेंट नहीं था बट बहुत ही विजिबली ब्यूटीफुल था नाउ इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक किए बना तो जाना मत और सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को और All right bye.